और जानकारी आपको देने के लिए ये विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। विधि व्यवस्था संधारण, अपराध नियंत्रण, पुलिस के नए बढ़ते हुए दायित्वों के निर्वहन, अनुसंधान नियंत्रण और यातायात संचालन हेतु कार्य हित में उच्चतर पद के लिए कार्यकारी व्यवस्था के अंतर्गत लगभग 18,000 पुलिस पदाधिकारियों के पदों पर उच्चतर प्रभार की स्वीकृति गृह विभाग द्वारा दे दी गई। इस व्यवस्था के तहत कार्य हित में उच्चतर पद के लिए हम लोगों ने 28 जुलाई को विधिवत प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा था, जिसकी स्वीकृति आज प्राप्त हो गई है। आप लोगों को जानकारी दे दें कि सामान्य प्रशासन विभाग के वर्ष 2019 के द्वारा सभी प्रकार की प्रोन्नतियां एवं प्रोन्नतियों पर विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्रवाई की अनुमति नहीं थी, इस कारण से प्रोन्नति बाधित थी। इस कारण बिहार पुलिस के विभिन्न रैंक में काफ़ी अधिक संख्या में रिक्ति उत्पन्न हो गई थी, जिसका कुप्रभाव विभिन्न प्रकार के पदों के दायित्वों के निर्वहन में पड़ रहा था। सहायक अवर निरीक्षक में 15,000 लगभग स्वीकृत पद थे, जिसमें से रिक्ति करीब 9,367 पदों की हो गई थी। कुल लगभग 60% रिक्ति हमारी एएसआई के पदों में हो गई थी। दरोगा में 7,400 के आसपास प्रोन्नति पदों की रिक्ति, जो कि लगभग 71% है। परिचारी प्रवर में बहुत दिनों से जो सार्जेंट मेजर का पद है, उसमें सार्जेंट की नियुक्ति नहीं होने के कारण 98% रिक्ति थी। पुलिस इंस्पेक्टर में 1,322 पद खाली थे, जो कि कुल स्वीकृत पदों के हिसाब से देखें तो 60% की रिक्ति थी। पुलिस उपाधीक्षक में प्रोन्नति से भी लोग जाते हैं और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है, प्रोन्नति पदों की रिक्तियों को देखें तो 61% की रिक्ति थी। यानी कि संक्षेप में आपको बताएं तो पूरे जो हमारे पद हैं प्रोन्नति के पद, उसमें लगभग 18,000 पद खाली पड़े हुए थे, जो कि 64% रिक्तियां थी। और इन रिक्तियों की जो आपकी विवरणी बताई है कि दरोगा में 71% और बाकी तीनों रैंक यानी एएसआई, इंस्पेक्टर और डीएसपी में लगभग 60%, कुल 64% की रिक्ति हो गई थी। इसका कुप्रभाव पड़ रहा था। इसके